बात करते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स की। ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट थे, जैसे कि जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किट, थॉमस नैश, लॉज और क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्हें हम जानते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स के नाम से, जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। एक्सेप्ट वन, एक नाम आएगा इसमें जो कि है थॉमस किड। और आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, किड यानी कि बच्चा, और बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाता बल्कि स्कूल जाता है। इससे याद रखिएगा कि किड कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, लेकिन ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट जो थे उसमें शामिल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा एक पोइटिक ड्रामा होता है जो लिखा गया होता है वर्स फॉर्म में, यानी कि उसकी जो लाइन्स होती है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है, वो होती है कविताओं के माध्यम से। यानी उसमें जो डायलॉग यूज होगा वो वर्स वाला यूज होगा। इसमें सीरियसनेस में कोई समझौता नहीं होता है, सब कुछ सेम रहता है। ऐसा नहीं कि जॉली हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब वर्स में लाइनें होती थी तो एक्टर्स को उसे मेमोराइज करना आसान हो जाया करता था। थर्ड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये प्रेजेंट करता है हमारे थॉट्स या हमारी फीलिंग्स को, जो एक कैरेक्टर जो होता है उसके माइंड में एक के बाद एक आती रहती है। इसके जो फर्स्ट फाउंडर थे वो थे विलियम जेम्स, जिन्होंने इसे पहली बार यूज किया था, और फिर इसको वर्जीनिया वुल्फ और डोरोथी रिचर्डसन ने भी आगे बढ़ाया। ये एक नदी की तरह, जैसे नदी की बहती हुई धारा होती है, इसी तरह कैरेक्टर के भी माइंड में जो भी विचार आते जाते हैं, चाहे वो रिलेवेंट हो या इरिलेवेंट, कनेक्टेड या फिर अनकनेक्टेड, वो उनको एक साथ ढोता जाता है, एक साथ आपको बताता जाता है। ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल रियलिज्म होती है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप कभी दिल्ली गए थे, आप वहां की बात सोच रहे हैं, अचानक से आप शिफ्ट होते हैं जयपुर की अपनी यादों के साथ, और फिर अचानक से आपको याद आता है कि किचन में कुछ चढ़ा हुआ है जो जल रहा है, फिर अचानक से आपको ध्यान आता है कि अरे आपको मार्केट जाना था, फिर आप तैयारी करने लगते हैं कल की, जो आपको पार्टी में जाना है उसकी तैयारी में उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो इन सबको जो कहते हैं ना खिचड़ी बन गई, उसी को कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ही बार एक ऐसे विचार जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। सीन को ऐसे समझ लीजिए कि आप जाते हैं एक मूवी देखने, जो है लव स्टोरी। अब लव स्टोरी में हो सकता है ट्रायंगल हो, या फिर हो सकता है हैप्पी एंडिंग हो, और हो सकता है हीरो हीरोइन में से कोई मर जाए, यानी कि सैड एंडिंग हो। तो थीम उस पर डिपेंड करती है कि जो हमारा डायरेक्टर है या हमारा जो ऑथर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे उसके विचार क्या है, वो अपना ओपिनियन रखता है पर्सनल। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थीम और सब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे वॉर की बात करें तो वॉर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो युद्ध को कैसे हमारा ऑथर रिप्रेजेंट करता है, वो हमसे क्या, मतलब हमें क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इस पर डिपेंड करेगी हमारी थीम। लास्ट है टोन। टोन आप कह सकते हैं एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह जब पोइट या फिर हमारा ऑथर लिखता है तो वो अपने विचार जो होते हैं, अपने जो भाव हैं, अपने जो एटीट्यूड है, उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ टोन क्रिएट करता है। यानी कि वो डिक्शन चूज करेगा, जो जो मेट्रिकल रेगुलरिटी होगी या फिर इरेगुलर मीटर हो सकता है, सिंटेक्स का कैसा यूज है, फिगरेटिव लैंग्वेज कैसी है, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है लैंग्वेज में वो किस टाइप के हैं, या राइम स्कीम है वो किस तरह की। ये जब सारी चीजें आप मिला लेंगे तब टोन बनकर आता है। ये पोइट का शब्दों का जो चयन है वो दिखाता है कि वो सब्जेक्ट के प्रति किस तरह के टोन प्रेजेंट कर रहा है। मतलब फॉर्मल टोन है, इनफॉर्मल है, सीरियस है, कॉमिक है, सार्कास्टिक है, सैड है, चीयरफुल है। जैसे अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट मेरा अपलोडेड वीडियो है जो है निजी मायस्पी की पोयम मिस गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। अब इलियट ने इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की है जिससे हमें हंसी आती है, ह्यूमर क्रिएट होता है, और हम समझ जाते हैं कि जो राइटर है वो एक कॉमेडी क्रिएट कर रहा है, सरकास्ट कर रहा है उन लोगों पर जिन्हें इंग्लिश बोली नहीं आती है लेकिन जो इंग्लिश का यूज करते हैं। और इस तरह से जो उसमें स्पीकर है वो अपनी बात को यहाँ से वहां अचानक शिफ्ट कर देता है, मतलब बेतुकी बातें करता है जिसे हम कहेंगे। तो इसी तरह जो टोन होता है वो सब कुछ मिला के ओवरऑल हमें ये इंडिकेट करता है कि पोइट का एटीट्यूड उस सब्जेक्ट के प्रति कैसा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।